आदमपुर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी पार्टियां जो है चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी, और इनसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से जो है तैयारियों में जुट गई है। सर, कांग्रेस पार्टी आदमपुर उपचुनाव की जो घोषणा हो चुकी है, और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से जो तैयारियों में जुट चुकी है? कांग्रेस पार्टी तो जिस दिन कुलदीप सिंह बिश्नोई ने पार्टी के साथ गद्दारी की थी, जनता के साथ विश्वासघात किया था, उसी दिन से कांग्रेस पार्टी ने फैसला ले लिया था कि कांग्रेस में इसको नहीं रखेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी में चला गया। हमारी तो 100% तैयारी पहले से ही है, हमारी तैयारी है, हमारे लोगों की दिन प्रतिदिन ज्वाइनिंग को आप देख रहे हो ना, हर रोज़। आप ये देखिए, लोकप्रियता के यहाँ से पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके प्रतिदिन कांग्रेस में आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता ये साबित कर सकता है कि कांग्रेस पार्टी का या दूसरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता भाजपा में जा रहा है? जब भाजपा में कोई जा ही नहीं रहा तो डूबते हुए आया है, जहाज की तरह है, डूबते हुए जहाज में तो चूहे भी निकल के भाग जाते हैं, आदमी कहाँ बचेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की बात की जाए तो कैंडिडेट कब तक जो है घोषणा कर देगी और कौन कैंडिडेट जो है इसके अंदर जो है चुनाव लड़ सकता है? आप ये देखिए, जो अभी चुनाव की घोषणा हुई है, किसी पार्टी ने अब तक कोई कैंडिडेट घोषित किया है? ये पार्टी कैंडिडेट घोषित करना पार्टी हाईकमांड का काम है, ये हम लोगों का काम नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव की बिसात बिछा दी है कार्यकर्ताओं ने, कार्यकर्ता तैयार है। और जिस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ाई के लिए तैयार हो, जिस फौज के सैनिक अपने हथियार लेकर के सीमाओं पर डटे रहे, तो उनका जैसे ही जर्नल आता है लड़ाई शुरू हो जाती है, वो जीत जाते हैं। कांग्रेस पार्टी जिसको भी यहाँ से उम्मीदवार बना करके भेजेगी वो 100% जीतेगा। एक सर, आम आदमी पार्टी लगातार जो है बालसमंद के अंदर भी जो है शिक्षा अधिकार पंचायत का आयोजन किया गया था, और आम आदमी पार्टी का कहना कि बीजेपी को कांग्रेस पार्टी नहीं हरा सकती, सिर्फ आम आदमी पार्टी उसको टक्कर दे पाएगी। पंजाब का तो नाश कर दिया, हरियाणा का और करेंगे? पंजाब की हालत आपने ये प्रश्न पूछा कि जी क्या ऐसा कारण था कि पंजाब में फरवरी में आपकी सरकार बनी और अप्रैल में जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो वहाँ से लोकसभा हार गई आम आदमी पार्टी, तो पंजाब का सत्यानाश कर दिया ना। अब ये बार बार मॉडल की बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली 80% केंद्र सरकार का काम है, 20% प्रदेश, क्योंकि बी ग्रेड का चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल, ए ग्रेड के नहीं है, ये लोगों को भ्रमित करते हैं। हरियाणा का जैसे मुख्यमंत्री ए ग्रेड का है, दिल्ली का मुख्यमंत्री बी ग्रेड, उनका ग्रेड बी है क्योंकि वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज होता है, न कि चीफ मिनिस्टर का। तो इसलिए इन्होंने कुछ करा। मैं एक बात कहता हूँ, इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, बनाया क्या है? जो कांग्रेस के राज में माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी 15 वर्ष चीफ मिनिस्टर रही है, उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं, उन्होंने जो स्कूल बनाए थे, उन्होंने जिस शिक्षा का ढांचा खड़ा किया था, उसको लीप पोत के अपना नाम लिखवा दिया, ऐसे काम थोड़े चलेगा। आम आदमी पार्टी सर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो है चुनाव में उतर रही है, तो कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर उतरेगी? कौन सा शिक्षा का? पंजाब की शिक्षा का, पंजाब का स्वास्थ्य का, पंजाब की हालत क्या? पंजाब भी तो इन्हीं की सरकार है ना, ये तो बड़ा। और मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी को तो हमसे वोट मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है, जो हमारा पानी चोरी करे बैठे हैं। SYL नहर का पानी हमें देते नहीं। जिस बालसमंद की आप बात करते हो, जहाँ हम उप मुख्यमंत्री आए थे सिसोदिया जी, तो उसी बालसमंद का 200 क्यूसिक पानी हर रोज खनोरी हेड से हमारा कम देते हैं, हमें डिस्चार्ज। अगर इतनी बड़ी केजरीवाल जी की मैं बात सुन रहा था, मैं ईमानदारी की राजनीति करता हूँ, ईमानदारी की राजनीति करता है तो पहले हमें पानी दिवाए खनोरी हेड से, हमारा एक्शन नरवाना का कंट्रोल है वहाँ पर, एक्शन नरवाना को संतुष्ट करे कि जितना हमारा चूसिक पानी बनता है प्रतिदिन वो दे गेज लगाए। हमारे वहाँ ठगी करते हैं यार, यहाँ करके ड्रामा करते हैं, कौन इनके ड्रामे को मानेंगे? तो ड्रामेबाज अच्छे ड्रामेबाज तो हैं ये, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है सर कि भाई कांग्रेस के पास राज्यसभा में 31 विधायक थे लेकिन वो MP भी नहीं बना सके, इसको लेकर क्या कहेंगे राज्यसभा का MP? अरे हमारा जो यही तो बिक गया ना, गद्दारी कर गया हमारे साथ, अरे इनके सारे बाज गए तुम्हें पता नहीं। लोगों ने म्यूनसिपल मेयर के चुनाव में याद होगा दिल्ली उसमें चंडीगढ़ में सारा का सारा सुपड़ा साफ हो गया, इनके जीते जाते बाद जय मारा तो एक आधा गद्दारी कर गया, तो सारे गद्दारों का सौदा इकट्ठा कर रहे हैं। इनकी पार्टी में है क्या? ये तो एक ऐसे लोगों का समूह है, मैं किसी के व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता, अगर किसी चरित्र के ऊपर को लांछन नहीं लगाना चाहता, अगर मैं व्यक्तिगत बात पे आ जाऊं तो आप ये समझोगे कि जनता ने इनको तो बढ़ने भी नहीं देना चाहिए।
सर भोवे बिश्नोई का कहना है कि आदमपुर याद तब आता है जब आदमपुर के अंदर चुनाव आ जाता है, सभी विपक्षी पार्टी यहाँ पर पहुंच जाती है। अरे भाई भाई बिश्नोई तो यहीं रहता है, लेकिन वो बच्चा है, परिपक्व नहीं है, उसकी बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। अभी तो वो बच्चा है, राजनीति में परिपक्व नहीं है, उसकी चर्चा नहीं। तो सर अब आदमपुर के अंदर जो चुनाव हो, चुनाव की जो तारीख आ चुकी है, तो अब किस प्रकार से देखते हैं आप? किस प्रकार से आदमपुर की जनता अपने अपमान का बदला लेगी? जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई के साथ खरीद और फरोख्त हुई है, क्या हुआ कुलदीप बिश्नोई ने लोगों को बताना पड़ेगा। और जब कुलदीप बिश्नोई सच्ची बात नहीं बताएगा तो हम सच्ची बात बताएंगे, हमें पता है ये सौदे कहाँ कहाँ किस बात की डील हुई है। तो जनता का जो विश्वासघात किया है, जो पार्टी के साथ दगा किया है, जनता उसका अपमान का बदला लेगी, कुलदीप बिश्नोई को और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी तो कुलदीप बिश्नोई कर रहे हो कि देश के गड़बड़े कर दें, पहले तो टिकट का फैसला होने दो फिर बात करेंगे। तो 26 साल का वनवास काटने की बात कर रहे हैं? मैं कहता हूँ 26 साल में अगर सत्यानाश किसी ने किया है, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, यानी कि कुलदीप बिश्नोई कहता है फलाना झूठ बोलता है, फलाना सबसे झूठा आदमी अगर सृष्टि पे है, सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति को राजनीति में है, तो उसका नाम कुलदीप बिश्नोई है। लोगों ने 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का राज नहीं दिया था, इसका भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं था, ये इसी इलाके से लोकसभा का एमपी नहीं था, इसके पिताजी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं थे, तो 2 साल तो उसमें राज में रहे, साथ में छोड़ी ना पार्टी, तो साथ में क्यों छोड़ी? क्योंकि कुआवत है देनी आवे बुनाई घटिया बतावे सूत, काम करने की आदत नहीं, व्यापार विदेशों में करता है, यहाँ रहता नहीं, एमपी एमएलए बन जाता है, सरकारी तनख्वाह के ऊपर अपना निर्वाह करता है, विदेशों में रहता है। 2005 में सरकार बनी, 2009 में हाजका के 6 MLA जीते, 5 कांग्रेस में चले गए, अकेला रह गया ना कुलदीप बिश्नोई। फिर ये भी कह दे नहीं तो चौधरी सतपाल सिंह और ये सांगवान और ये ब्याणा साहब, ये दूसरे लोग बता देंगे कि वे क्या क्या डील हो रही थी। जब इन साथियों ने पता चला कि तुम्हारी तो डील हो रही है, जैसे अब आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के मतदाताओं की डील करके रहा भारतीय जनता पार्टी में चला गया, ऐसी उस वक्त एक डील हुई थी जब विधायकों ने सोचा कि डील का सारा सामान तो उड़ गया, वो छोड़ के बाज के अकेला रह गया ना, तब रात छोड़ गया। कांग्रेस पार्टी तो उस वक्त भी कह रही थी भाई तू विलय कर ले, लेकिन कहा विलय नहीं, ये तो अपने और अपने परिवार से सिवाय दूसरे को किसी को देखना ही पसंद नहीं करता, ये अपने परिवार के लोगों को अपना सगा भाई को देखना पसंद नहीं करता। आप ये बात देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी का राज आता नहीं दिखता, कमजोर नहीं होती, तो इनके भाई है ना चंद्रमोहन जी, वो तो कांग्रेस पार्टी में है, और आज इनका एक और कजन ब्रदर है, आज कांग्रेस पार्टी कह दे तेरे को टिकट दे देंगे तो भाग्य भाग्य आएगा। ये अविश्वसनीय है, सच्चाई से बहुत परे रहता है, अंकारी है, विश्वासघाती है। कुलदीप बिश्नोई का कहना सर कि भजनलाल जो परिवार है वो आदमपुर का जो गढ़ है, और अब जो चुनाव होगा तो भजनलाल परिवार के ही जो जीत होगी, तो इसका लेकर क्या कहेंगे? देखो चौधरी भजनलाल इस धरती पर नहीं है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। कुलदीप बिश्नोई ये बताया कि इसने 26 साल में जनता के साथ कितना विश्वासघात किया, कितना धोखा किया, कितनी बेईमानी की, अपने अपने धन को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए इसने इस इलाके का सत्यानाश कर दिया, इसलिए लोग भी चाहेंगे कि भाई इससे पीछा छुटाओ, लोग चाहेंगे चाह लिया। ये थे हमारे साथ जयप्रकाश जी, इनका साफ तौर से ये कहना कि जो उपचुनाव के अंदर जो है अब कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी की ही जो जीत होगी। पंजाब की सीटीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।